सभी साथी जो जुड़ रहे हैं, हम ये बता दें कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं जो तिकोनिया लखीमपुर खीरी जो घटना हुई थी 3 तारीख में, वही स्थल है जहाँ पे कल प्रोग्राम होना है। और सुबह से चल के करीब 11 घंटे यहाँ पे आने में लगते हैं। यह आप देखोगे ये पूरा यहाँ पे लग गया है, पूरा जो टेंट है वे लगे हैं, ये खेत यहाँ पे खाली करवाए गए हैं। और खेत खाली करवा के, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है कहीं नहीं थी, ये खेत खाली करवा के ये पूरा मैदान यहाँ पे बनाए गए हैं। और इसमें हजारों लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जो सारे यहाँ पे पदाधिकारी और जो क्षेत्र के जो यहाँ के लोग हैं, बच्चे हैं, वे सब इस उसमें लगे हुए हैं। बहुत मजदूर यहाँ पे लग रहे हैं और ये सुबह तक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली से आने में 11-12 घंटे यहाँ पर लगते हैं आने में तिकोनिया। आगे सभी साथी जो थे, बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ आने लग रहे हैं। और यहाँ पे जो अरदास उनकी होगी, जो अंतिम अरदास होगी, उसका प्रोग्राम, जो 5 लोग थे उनका प्रोग्राम यहीं पे ही रखा हुआ है। कल यहाँ से ही अपना सब जत्थेबंदी के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, समस्त बाबा रहेंगे यहाँ पे। तो आगे की रणनीति वो इसी मैदान से बनाई जाएगी। मुद्दा है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय टेनी, वो गिरफ्तार हो, 120B का मुलजिम है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी उसकी हो, उसको मंत्री पद से हटा जाए। लड़का भी उसका बता रहे कि पूछताछ होगी और उसका 3 दिन का रिमांड लिया है। ये जो रिमांड है, ये रेड कारपेट रिमांड है। वकील उसके साथ अंदर रहेंगे पूछताछ में, तो पुलिस कौन पूछताछ कर लेगी, किसकी हिम्मत है कि गृह मंत्री के बेटे से, मंत्री के लड़के से कोई पूछताछ कर ले? जब तक एक आम आदमी की तरह उसका पिता नहीं होगा, वो जेल में बंद नहीं होगा, और वो भी आगरे की में, दोनों आगरे की जेल में बंद हो, वहां से उनकी रिमांड लिया जाए, तो फिर वे बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे। ये इशू यहाँ पे कल रहेगा। आगे के भी और प्रोग्राम है, उन प्रोग्रामों को यहाँ से ही बताया जाएगा। 18 तारीख का भी प्रोग्राम है ट्रेन का, 26 तारीख का भी प्रोग्राम है लखनऊ की बड़ी पंचायत करने का। इनके जो अस्थि कलश जाएंगे, वे पूरे देश भर में सब जगह जाएंगे, उनका भी प्रोग्राम बनेगा। वो सब प्रोग्राम कल यहाँ से बनाएंगे। आज ये दिखा के ये हजारों लोग यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन लग रहा हो, चेक करके भेज रहा है, किसको चेक कर रहा है, किस किस को नहीं कर रहा, फोर्स वोर्स बहुत लगी हुई है, तो ना घबराने की जरूरत। और पुलिस प्रशासन से भी ये है कि रोको मत, सब लोगों को आने दो, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, व्यवस्था आप लोग उसमें व्यवस्थाओं में सहयोग करें, हमारे वॉलंटियर भी सब साथ में रहेंगे। कौन से रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से आने हैं, यहाँ पर बड़ी पार्किंग यहाँ पर करी गई, कई एकड़ जमीन यहाँ पे धान की खाली करी गई उन किसानों से द्वारा, और पंडाल के लिए भी यहाँ पे खेत खाली करवाए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये सिस्टम रहेगा, सब लोग इसमें सहयोग दें, और जो भी लोग आ सकते हैं वे यहाँ पे आएं, जो लोग नहीं आ सकते वे अपने ही वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और जो और लोग रह जाएं वे शाम को 8 बजे 5-7-10 मिनट के लिए 5 दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, नहीं वो है तो 5 मोबाइलों की लाइट जला के उनसे श्रद्धांजलि 12 तारीख को 8 बजे शाम को वो दे सकते हैं। नहीं समझ किसानों को, जो किसान हमारे यहाँ पर शहीद हुए, तो ये कल आप सब प्रोग्राम करें। और जो भी यहाँ से घोषणा होगी, हमारा संयुक्त मोर्चा यहाँ पे रहेंगे, सब लीडर्स यहाँ पे, बहुत से लीडर आ गए हैं, कुछ रात में आ जाएंगे, कुछ सुबह तक आ जाएंगे, और आगे की घोषणा यहाँ से ही हम बताएंगे। धन्यवाद।